नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में है। विवादों के बीच अब शास्त्री जी उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्हें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जोशी मठ में चमत्कार दिखाने की चुनौती पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि चमत्कार दिखाने वाले उनके जोशी मठ के मकानों में आई दरारों को चमत्कार से भर दें तो वो उनका स्वागत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड पहुंचे हैं। उन्होंने इस बीच एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें अपने विरोधियों को नसीहत देते हुए कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बता दें कि बागेश्वर बाबा उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वे संतों को बागेश्वर धाम का आमंत्रण देने पहुंचे हैं। उनके द्वारा जारी किया गया वीडियो पोस्ट उत्तराखंड का है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि वो 2 से 3 दिन की हिमालय यात्रा पर उत्तराखंड में रहेंगे। विवादों से घिरे बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिलासपुर में स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि वे जोशीमठ आकर धसकती हुई जमीन को रोककर दिखाएं, तब उनके चमत्कार को माना जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।